अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नोएडा का श्रीकांत त्यागी कांड भाजपा के गले में हड्डी बनने जा रहा है। आज मेरठ के त्यागी हॉस्टल में हुई पंचायत के बाद गुरुवार से मेरठ कमिश्नरी पर त्यागी ब्राह्मण समाज के साथी भारतीय किसान यूनियन के लोग भी धरना शुरू करने जा रहे हैं। आज हुई पंचायत में कहा गया कि श्रीकांत त्यागी ने जो किया वह गलत था, लेकिन इतना गलत तो नहीं कि उसे बिल्कुल आतंकवादी जैसा ही बना दिया गया। इसके अलावा उसके परिवार का क्या कसूर था जो उन्हें भी सजा दी गई? उनके साथ पुलिस द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। याद दिला दें कि हाल ही में नोएडा की ओमेक सोसाइटी में एक महिला से हुए विवाद के बाद भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी एकाएक ही सुर्खियों में आ गया था। महिला से जुड़ा मामला होने के कारण भाजपा ने यह कहने में देर नहीं लगाई थी कि भाजपा का श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर विपक्ष ने भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं संग श्रीकांत त्यागी के फोटो वायरल कर दिए थे। सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के गुर्गे घुसने पर सांसद महेश शर्मा ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से यह कहते हुए नाराजगी जताई थी कि उन्हें यह कहते हुए शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज मेरठ के त्यागी हॉस्टल में पंचायत के बाद त्यागी ब्राह्मण समाज मुजफ्फरनगर के नेता मांगेराम त्यागी ने यह कहा। देखिए, पूरे देश में पता है इसको, ये मामला महेश शर्मा जी के द्वारा एक इतना बड़ा दुर्व्यवहार उन महिलाओं के साथ और उनका उत्पीड़न किया गया कि वो मुझे गांव की भाषा में है ना, पानी जो जब सिरसों पर को चले जा तो फिर आदमी मरने मारने को डू एंड डाई की स्थिति में आ जा। समाज हमारा त्यागी और ब्राह्मण समाज एक है। हमारा जो समाज है वो अपना कर खा रहे, किसी के आरक्षण नहीं मांग रहे, इन पर तो हम कोटा नहीं मांग रहे, फेरी का नाज नहीं मांग रहे। अरे हमारा सम्मान तो जीन मिंदड़ों पे वोट हम देंगे, हमारी महिलाओं को ऋषिकेश्वर देहरादून उसमें डाल लोगे जेलों में, मतलब यो है, यो काम कर दिया के जिसे हम अपना सब कुछ मानने 100% वोट त्यागी ब्राह्मणों ने वोट दे रखी। कोई जाति ऐसी नहीं पूरे भारत में जो 100% वोट दे रही है दे रहे। और हमारे महेश शर्मा जी जो हैं, मैं वीडियो देख रहा था उसमें कमिश्नर को धमका रहे अविनाश अवस्थी जी, अरे भाई चलो एक 304, 504, 306 का मैटर था, हम उसका वो नहीं करते कि कानून अपना काम करे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा नहीं, कसाब पकड़ लिया बहुत बड़ा ओसामा बिन लादेन है, इस तरह तो ओसामा बिन लादेन के पीछे भी भाग गए आप। उनकी महिलाएं, उनके रिश्तेदार सब उसमें गिर दिए, में जो महिलाएं हैं अब ये पेड्डे खड़े हैं आशीष में, किस अधिकार है भाई हॉस्टल में तो पेड्डे उखाड़ने का, पार्कों में तो किसे अधिकार है, किसने दिया? वो लेडीज क्या थी भाई, वो क्यों गई वहाँ से? उसका पति खड़ा है, उसका जो पति खड़ा है अगर कोई वो है भाई मेरे घर में, मैं बाहर आ रहा किसी लेडीज के साथ कोई बात हो जाए तो शाम को जाए। गांव की एक संस्कृति है, क्या सभी जगह की है, गांव में ज़्यादा है क्या, आगे अपने पति को बताएंगे या उसे अपने मर्दों को बताओ। कुल मिलाकर भारतीय किसान यूनियन के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट में भाजपा के खिलाफ त्यागी ब्राह्मण समाज को भाजपा के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही सांसद महेश शर्मा को भी निशाने पर रखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी इस पर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।